वेलकम टू बाइंड एडुटेक एंड वी आर कंटिन्यूइंग टू डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आंसर्स MCQs फ्रॉम द चैप्टर दैट वी हैव कम्प्लीटेड थ्रू द वीडियो लेक्चर्स द टेक्स्ट बुक पार्ट. पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों ने देखा था, जिसमें पूछा गया था कि शिप के स्पीड को कम करने के लिए क्या किया उन्होंने, और ऑप्शंस में आपने देखा कि कंफ्यूजिंग ऑप्शन भी है, अधूरा एक आंसर ऑप्शन में था, और दूसरा जो सही ऑप्शन था उसमें पूरा जानकारी था, मतलब उससे ज़्यादा लैश्ड वर्ड था, मूरिंग रोप वर्ड था. तो इस तरह से कंफ्यूज्ड हो सकते हैं अगर अधूरी पढ़ाई करेंगे, तो अधूरा चुनेंगे आंसर अपना गलत हो जाएगा. वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ना और चीज़ों को समझना ये बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन नंबर 17 देखो. फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फॉर द वॉयज. ये सबसे आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है. ये इसके लिए टेक्स्ट बुक में जाके दिखाने की ज़रूरत मुझे बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए. जो भी लोग इस चैप्टर को पढ़े होंगे, चाहे जिस माध्यम से पढ़े हों, इसका आंसर के लिए टेक्स्ट बुक में तो नहीं जाना पड़ेगा, इतना आसान है. कहाँ से उनका शिप का वॉयज जो था किस जगह से शुरू हुआ था. ऑप्शन है ए में अमेरिका, बी में मेक्सिको, सी में जर्मनी और डी में प्लाईमाउथ इंग्लैंड. अब जो इसका आंसर नहीं दे पाएगा और सोच में पड़ेगा, तो फिर इसका मतलब है कि वो पढ़ा नहीं है चैप्टर को बिल्कुल भी. तो इसके लिए टेक्स्ट बुक में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आंसर बहुत क्लियरली दिया हुआ है, प्लाईमाउथ इंग्लैंड. यहाँ से इनका ये सफ़र जो था वॉयज शुरू हुआ था, प्लाईमाउथ इंग्लैंड. इसके लिए टेक्स्ट बुक जाने की ज़रूरत नहीं है. और जिसको इतना पता नहीं है वो फिर उसको पढ़ने की ज़रूरत है. क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने से अच्छा है कि पहले चैप्टर को पढ़ लें. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर अ राउंड द वर्ल्ड वॉयज. ये भी मेरे हिसाब से तो आसान क्वेश्चन के कैटेगरी में ही है, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में ही, चैप्टर के शुरुआत में ही बता दिया गया था कि ये जो राउंड द वर्ल्ड वॉयज पे निकले थे ऑथर, वो क्यों निकले थे, पर्पस क्या था उनका. पूरे दुनिया का एक चक्कर लगाना वाटर से, इस पे वो निकले थे वॉयज पे, वाई पर्पस क्या था. ऑप्शंस देखो. पहला, टू डुप्लीकेट द वॉयज मेड 200 ईयर्स अगो बाय कैप्टन जेम्स कुक. दूसरा, टू सी द वर्ल्ड. तीसरा, टू सेटल डाउन इन डिफरेंट कंट्री. और चौथा, टू शो हिज चिल्ड्रेन द वर्ल्ड थ्रू शिप. अब ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए टेक्स्ट बुक में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर इतना आसान क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हैं, तो फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत है चैप्टर. और इसमें तो जो लोग पढ़े हुए हैं वो लोग सबसे पहला ऑप्शन देखने के बाद वो दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन पढ़ने में टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे.
क्योंकि ये उनको पता रहेगा अगर पढ़े रहेंगे तो, कि ये जो वॉयेज था ये कैप्टन जेम्स कुक द्वारा किए गए 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने राउंड द वर्ल्ड वॉयेज किया था, तो उसी को दोहराना चाहते थे, डुप्लीकेट वर्ड यूज़ किया है, दोहराना चाहते थे वॉयेज के, किसके वॉयेज के, कैप्टन जेम्स कुक के वॉयेज के। ये भी सबसे आसान क्वेश्चंस में से एक है कि अगर ये भी आंसर नहीं पता है तो पढ़ने की बहुत ज़रूरत है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर। ये थोड़ा सोच में डालेगा और इसके लिए भी वो टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वहाँ एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि उनका ऑक्यूपेशन क्या था। इसमें मैं आपको टेक्स्ट बुक में लाना चाहूँगा, टेक्स्ट बुक में जहाँ उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट पेज में ही, यहाँ पर इधर देखो, यहाँ 200 ईयर्स अर्लियर वाला लिखा है और यहाँ बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि वो कौन थे, व्हाट वाज हिज ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन पूछा है। तो जो स्टूडेंट पढ़ा होगा इस फर्स्ट पैराग्राफ में ही उन्होंने बताया कि उनका वो कितने साल के थे और उनका ऑक्यूपेशन क्या था। लिखा है कि वो 37 साल के थे और ऑक्यूपेशन था उनका बिजनेस, 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन। तो ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछेगा तो आप ऑप्शंस देख लीजिए, कंफ्यूज कर जाएंगे वो बच्चे, क्योंकि कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं जैसे सेलर, टीचर, ये तो जान जाएगा, काट देगा कि टीचर तो नहीं थे वो, नन ऑफ द अबव में भी नहीं थे। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है सेलर वर्ड, क्योंकि सेलर बोलते हैं नाव चलाने वालों को या शिप चलाने वालों को, जैसे हम लोग ड्राइवर वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग पायलट वर्ड यूज़ करते हैं, वैसे ही शिप में सेलर वर्ड यूज़ होता है, ड्राइवर, पायलट, सेलर, शिप में सेलर। ये वर्ड कंफ्यूजिंग यहाँ है, जो लोग अधूरा पढ़ाई करेंगे या ठीक से नहीं वर्ड बाय वर्ड जाएंगे तो वो सेलर वर्ड चुनेंगे, क्योंकि पूरा कहानी में तो यही बताया गया है कि समुद्री यात्रा उन्होंने किया था और सेलर थे वो, मतलब। लेकिन जो लोग टेक्स्ट बुक के थ्रू फर्स्ट पैराग्राफ से ही जो लोग टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़े होंगे उनको वहाँ पर उनका उम्र और उनका जो ऑक्यूपेशन था वो बहुत क्लियरली दिखाया गया है, लिख दिया गया है कि ही वॉज अ 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन। सॉरी फॉर सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, द माउस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। Now, the answer is businessman.
यही हमारा आंसर हो, सेलर वर्ड चुनेगा जो लोग कंप्लीट नहीं पढ़ेगा क्योंकि वहाँ कंफ्यूजिंग हो जाएगा, और जो लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, तो मैंने दिखा दिया कि अपने इंट्रोडक्शन में उन्होंने कहा है कि वो 37 साल के एक बिजनेसमैन थे, तो यहाँ बिजनेसमैन जो ऑप्शन दिया है वो ऑथर का ऑक्यूपेशन था। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द ऑथर। अब ये भी ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए टेक्स्ट बुक दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये चैप्टर कोई पढ़ा है, ज़रा सा भी पढ़ा है, तो उसको शिप का नाम निश्चित रूप से पता रहना चाहिए, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। पहला ऑप्शन है अमेज़न नाम था उसके शिप का, दूसरा ऑप्शन है कि उसके शिप का नाम वेव वॉकर था, तीसरा है वेव शिप था, और चौथा है सेलर शिप। तो मोस्ट इजीएस्ट, मोस्ट इजी आंसर्स में से एक है, क्योंकि ये तो बेसिक है कि उन्होंने जो शिप उनका था, जो शिप उन्होंने स्पेशली तैयार करवाया था, और ठीक उसी तरह से तैयार करवाया था जैसे कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक जैसे जिस तरह का शिप उन्होंने यूज़ किया था, वैसा ही शिप बनवाया था नरेटर ने। अब शिप से जुड़ा हुआ बहुत सारा सवाल आपसे पूछ सकता है, जैसे मैंने अभी कहा एक कि वो शिप जो था वो उस शिप के जैसा ही डिज़ाइन किया गया जिस शिप से जेम्स कुक ने वॉयज किया था, ठीक है, उसका मतलब मेन डिज़ाइनिंग वही था, मगर तुम ये सोचो कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था, 200 साल पहले, तो उसके अनुसार 200 साल में जो टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ वो सब फीचर्स इनके शिप में ऐड किए गए थे। जैसे 200 साल पहले तो नहीं होगा इलेक्ट्रिक पंप, लेकिन इनके पास था इलेक्ट्रिक पंप। 200 साल पहले वो जो मैग्नेटिक जो कंपास बताया गया है इसमें कि मैग्नेटिक कंपास उनका ख़राब हो गया था, मेन वाला कंपास, 200 साल पहले वो वाला कंपास भी नहीं होगा। तो शिप से जुड़ा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। सबसे इजी में है कि शिप का नाम क्या था, तो नाम यहाँ बता दिया गया, आंसर सी बी में है, वेव वॉकर। अगर आपको इसका और क्या क्या पूछेगा, लेंथ, क्योंकि बताया है 23 मीटर लेंथ था उस जहाज का, और उसके बारे में बताया है कि उस जहाज को बनाने में वुड का बहुत इस्तेमाल किया गया था, वुडन हल्ड वर्ड यूज़ किया गया था उस जहाज के बारे में, जहाँ बताया गया था वहाँ पर वुडन हल्ड वर्ड यूज़ किया गया था। देखिए आप उस बोट के बारे में यहाँ बताया गया 23 मीटर, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। 30 टन, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है।
23 मीटर भी क्वेश्चन में आ सकता है, और उसका वजन 30 टन ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। वुडन हर्ल्ड मतलब काफ़ी वुड का प्रयोग किया गया था और वो प्रोफेशनली बिल्ट करवाया गया था, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और उसके बाद उसको बिल्ड करने के बाद उन लोगों ने उसको बहुत महीनों तक, यहाँ लिखा हुआ है फिटिंग इट आउट, बिल्ड करने के बाद जहाज बना लिया उसके बाद लिखा है फिटिंग इट आउट। तो फिटिंग इट आउट का मतलब मैंने एक्सप्लेनेशन देते वक्त बताया था, एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर कंडीशन वी कुड, मतलब कि उसके बोट के बारे में इस यहाँ इस पार्ट से, ये तीन लाइन जो है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है, और एमसीक्यू के रूप में तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चंस बना सकता है। 30 टन, 23 मीटर, वुडन हल, फिटिंग इट आउट, और इसमें महीनों लगे थे, ये भी लिख सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि महीनों लग गए थे उस को अंदर से इंटीरियर बनाने में। फिटिंग इट आउट का मतलब है कि उसका इंटीरियर जो है उसको बनाने में महीनों लग गए थे, मतलब उसमें जो गैजेट्स लगने चाहिए, जो सामान होने चाहिए, जो केबिन्स होने चाहिए, जो ज़रूरी जो एसेंशियल चीज़ें हैं किसी वॉयज के लिए, वो सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को जहाज में फिट करने के लिए इन लोगों को महीनों लग गए थे, ठीक है। और फिर उन्होंने उसको रफेस्ट वेदर में, मतलब हर तरह के वेदर में उन्होंने उस जहाज को टेस्ट भी किया था, उसको उनके जहाज के बारे में इतना बात बताया गया। तो उस इतनी बातों से कोई भी सवाल शॉर्ट टाइप में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे सकता है। यहाँ तो सबसे इजी वाला दिया कि उसके शिप का नाम क्या था, तो शिप का नाम बता दिया है ऑप्शन में, जहाँ दिया है वेव वॉकर, वो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द जर्नी वॉज प्लीजेंट फॉर देम, ये भी आपके टेक्स्ट बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है एक जगह, कि उनका जर्नी का कौन सा पार्ट बहुत प्लीजेंट गुजरा। प्लीजेंट का मतलब बहुत अच्छे से, पॉजिटिवली, हंसते खेलते, कौन सा पार्ट ये बीता। यहाँ देखो लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में कि ये देखो प्रेजेंटली वर्ड है ना, द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्रेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। अब ये पूरा जो प्लीजेंट समय जो उनका गुजरा था उसके बारे में ये जो वर्ड्स, ये 3-4 लाइन में जो वर्ड्स दिए हैं यहाँ तक केप टाउन तक,
ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, एमसीक्यू में और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे उनका पूरा प्लानिंग कितना साल का था, 3 साल, और उनके प्लानिंग में पूरा जो वॉयज था उनका वो कितने किलोमीटर का था, 1,05,000 किलोमीटर, और उसका पहला हिस्सा इस वॉयज का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट लेग लिखा है ना, फर्स्ट पार्ट कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से ये लोग निकले थे प्लाईमाउथ से, वहाँ से केप टाउन, ये वर्ड जो आपको यहाँ दिख रहा है, अफ्रीका टू केप टाउन, ये जो फेज़ था, फर्स्ट फेज़ जो था, ये इन लोगों का बहुत प्लीजेंट गुजरा था। क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग कैसे भी पूछ सकता है, आपको ये याद रखना है कि टोटल उनकी जर्नी कितने सालों की थी, टोटल जर्नी, प्लान्ड जर्नी कितने सालों की थी, ये भी पूछ सकता है। पूछ सकता है कि कितना मतलब कितना किलोमीटर का जर्नी था उनका पूरा, वो भी फैक्चुअल पूछ सकता है। यहाँ पूछा है कि कौन सा पार्ट उनका प्लीजेंटली बीता, पहला ऑप्शन लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, जर्नी का आखिरी पार्ट, दूसरा है फर्स्ट फ्यू मंथ्स, कि पहले के कुछ महीने जो थे वो उनके बहुत अच्छे बीते थे, थर्ड में लिखा है फर्स्ट लेग फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू केप टाउन, अभी बुक में दिखाया आपको, टेक्स्ट बुक में केप टाउन, तो सही आंसर हम लोगों को यही मिल जाता है, डी में लिखा हुआ है नेवर। अब इसमें भी देखो कि लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही इसका आंसर सही चुन पाएंगे, अदरवाइज कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं लास्ट पार्ट में, जो पूरी नहीं, पूरी तरह से नहीं पढ़ेंगे अच्छे से, और कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं फर्स्ट फ्यू मंथ्स में, और वो लोग सही आंसर और क्विक आंसर चुनेंगे जो टेक्स्ट बुक गए होंगे, क्योंकि उसमें ये वर्ड उन लोगों को फर्स्ट लेग और केप टाउन वाला लाइन जो है वो लोग पढ़े होंगे, तो ये वाला आंसर वो लोग तुरंत चुन लेंगे कि उनका जर्नी जो प्लाईमाउथ से शुरू हुआ इंग्लैंड से, और वो जर्नी जो अफ्रीका के केप टाउन तक का जर्नी था, वहाँ तक के जर्नी में सिर्फ नरेटर और उसकी फैमिली थी शिप में, केप टाउन तक की जर्नी में, केप टाउन से जब वो लोग आगे बढ़े थे तब उनके शिप में मेंबर्स की संख्या बढ़ गई थी, कितनी संख्या बढ़ी थी, वो कौन कौन थे, ये सब स्टोरी अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आपको पढ़ना चाहिए कि केप टाउन से कौन कौन सवार हुआ था, क्यों सवार हुआ था, कितने लोग सवार हुए थे, तो इसका जो आंसर है ये ऑप्शन सी, फर्स्ट लेग फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू केप टाउन, ये इसका सही आंसर होगा, यही फर्स्ट पार्ट उनका प्लीजेंट बीता था, अच्छा बीता था। कंफ्यूज हो सकते हैं आधे अधूरे अगर पढ़ेंगे तो फर्स्ट फ्यू मंथ में भी कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, और लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी में भी कुछ कंफ्यूजन हो सकता है उनको, पर जो पढ़े रहेंगे उनको ये फर्स्ट लेग और ये केप टाउन वर्ड उनको आंसर याद दिला देगा, और वो सही आंसर चुनेंगे कि यही जो जर्नी था फर्स्ट फेज का जर्नी,
फर्स्ट लेग जिसको लिखा गया है केप टाउन तक का, यही उनका अच्छा बीता था। उसके बाद फिर उनका बुरा समय शुरू हुआ था। तो फर्स्ट लेग वाला सी वाला आंसर इसका सही आंसर है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और उनके वो जर्नी के बारे में जो अभी था क्वेश्चन, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है वहाँ से और भी क्वेश्चंस बना सकता है। वो जर्नी कितने किलोमीटर्स की थी, वो जर्नी कितना दिनों का प्लान किया हुआ था, ये सब भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ ऑनिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ ऑनिंग। अब ये वर्ड ऑनिंग वर्ड, सबसे पहले तो जो पढ़ा रहेगा वही इसको समझ भी पाएगा, नहीं तो बाउंस कर जाएगा फिर बहुत सारे लोगों के दिमाग से जो नहीं पढ़े रहेंगे। टेक्स्ट बुक में आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये ऑनिंग वर्ड तो फर्स्ट में ही दे दिया गया है। यहाँ देखो ऑनिंग वर्ड, इसका मीनिंग बोला है कि इसका मीनिंग आपको समझना चाहिए और याद रखना चाहिए। ये लिखा है ना, इन्फर नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट एंड इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। तो ये उसमें एक ये भी था ऑनिंग एंड सी फेयर ऑनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स। इसमें पूछा है ऑनिंग का सिनोनिम नीचे दिए गए शब्दों में ऑनिंग वर्ड जो है HONING ऑनिंग वर्ड जो है इसका क्या सिनोनिम है। सिनोनिम मतलब तो जानते होंगे कॉमनली, इसका एक और वर्ड जो आता है रिलेटेड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द मतलब सिनोनिम्स और विपरीतार्थक शब्द मतलब एंटोनिम्स। यहाँ सिनोनिम पूछा है ऑनिंग का, ठीक है। तो पहले तो ऑनिंग वर्ड जो लोग पढ़ा होगा बुक में फर्स्ट पैराग्राफ में ही मुझे लगता है कि वो वर्ड आया था, जहाँ तक मुझे लगता है ये वर्ड फर्स्ट पैराग्राफ में ही आया होगा कहीं। यहाँ देखो फर्स्ट पैराग्राफ में ऑनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स, तो इसका मीनिंग तो मैंने आपको ज़रूर बताया होगा टेक्स्ट बुक जब मैं पढ़ा रहा था कि ऑनिंग का क्या मतलब है। अब इसमें से आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें से बोला है कि ऑनिंग वर्ड का सिनोनिम ढूंढो। ऑप्शन वन परफेक्ट, ऑप्शन टू शार्पन, ऑप्शन थ्री टैपर और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अब ये आसान क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन है, जो लोग पढ़ेगा उनके लिए कंफ्यूजन है, जो नहीं पढ़ा होगा उसके तो मैंने कहा कि बाउंस कर जाएगा, ऑनिंग वर्ड ही बाउंस कर जाएगा। जो पढ़ा होगा वो भी कंफ्यूज हो सकता है इसमें। परफेक्ट शार्पन टैपर ऑल ऑफ दीज। अब जो जो लोग जैसे
किसी से भी कहीं भी पढ़े होंगे तो उनको एक वर्ड बताया गया होगा, मैंने भी बताया है वो वर्ड, कि ऑनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को और अच्छे ढंग से करना। ऑनिंग का ये मतलब है कि किसी भी स्किल को शार्पन करना। स्किल मतलब होता है टैलेंट, कोई भी स्किल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ था ऑनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स। सी फेयरिंग का भी मैंने मीनिंग बताया है, ऑनिंग का भी मैंने मीनिंग बताया है, पर यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है पढ़े हुए स्टूडेंट्स को। परफेक्ट, शार्पन, टैपर या ऑल ऑफ दीज, जो गलती कर सकते हैं बच्चे वो ये वर्ड चुनेंगे, शार्पन। क्यों? क्योंकि टीचर्स ने, मैंने भी आपको यही वर्ड बताया है ऑनिंग का, मतलब अगर एक वर्ड उसका दूसरा दिया जाए सिनोनिम उसका, जब मैं ऑनिंग का मतलब बता रहा था तो मैंने भी वर्ड यूज़ किया था शार्पन, मगर इसमें वोकैबलरी जिस बच्चे का सही रहेगा, थोड़ा सही मतलब वोकैबलरी जिसका अच्छा रहेगा वही इसका सही आंसर दे पाएगा। क्योंकि यहाँ एक वर्ड जो है टैपर, ये वर्ड ऑलमोस्ट सबके लिए अनजान है, इसका मीनिंग नहीं जानते हैं। परफेक्ट का मतलब तो जानते हैं सब कोई, शार्पन मतलब भी जानते हैं तेज़ करना, और ऑल ऑफ दीज तो है। टैपर मतलब क्या? इस वर्ड का जो मीनिंग जानेगा पहले से ही, टैपर वर्ड कहीं आया नहीं है टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं है जो मैं आपको बोलूं कि मैंने इसका मीनिंग बताया है, ये है ही नहीं टेक्स्ट बुक में कहीं। तो ये थोड़ा वोकैबुलरी टेस्ट जैसा है स्टूडेंट्स के लिए। टैपर का मीनिंग होता है शार्पन, शार्पन तेज करना, यही मतलब टैपर का भी होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज होगा। यहाँ थोड़ा इसको पार्टिकुलरली याद रखना इस क्वेश्चन को, कि अगर आपसे ऑनिंग वर्ड का सिनोनिम पूछ दे, क्यों? क्योंकि ऑनिंग वर्ड तो हाईलाइट करके लिखा है पूरी तरह से, तो उसका सिनोनिम या एंटोनिम कुछ भी पूछ सकता है। तो ये याद रखना कि परफेक्ट करना भी मतलब डेवलप करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, परफेक्ट भी इसका मतलब है, शार्पन भी इसका सिनोनिम है, टैपर भी इसका सिनोनिम है। टैपर वर्ड आया नहीं था टेक्स्ट बुक में, इसलिए मैंने कहा कि वोकैबलरी पे फिर डिपेंड करता है। ये टैपर वर्ड मुझे लगता है कि बहुत कम स्टूडेंट समझ पाएंगे, और ज़्यादातर स्टूडेंट जो पढ़े हुए हैं वो ये चुन लेंगे शार्पन, जो गलत हो जाएगा।
टैपर का मतलब भी सिमिलर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये चारों वर्ड्स जो हैं ये चारों इसके सिनोनिम्स हैं। परफेक्ट होना मतलब प्रैक्टिस करते रहना, है ना, शार्पन और टैपर, ये तीनों सिनोनिम्स हैं। टैपर वर्ड स्पेशली याद रखना, ये भी सिनोनिम है। तो कभी कभी ये मतलब आपका जो क्लास टेंथ तक का पढ़ाई रहा है, क्लास टेंथ तक का जो पढ़ाई रहा है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में, आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, मतलब कितने ज़्यादा शब्द के मीनिंग आपको आते हैं, ये टेस्ट थोड़ा टफ है मैं मानता हूँ, क्योंकि टैपर वर्ड दिया नहीं कहीं और उसका मीनिंग बहुत कम लोग, बहुत कम स्टूडेंट्स जान पाएंगे बिना बताए। तो इसको थोड़ा स्पेशली याद रखना कि ऑनिंग वर्ड जो है HONING, जिसका मतलब शार्पन लिखा हुआ है, तो परफेक्ट भी उसका एक सिनोनिम है, टैपर भी उसका ही एक पर्यायवाची शब्द है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। और इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर तुम लोगों को कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे देंगे PDF फॉर्म में, जैसे ये है वैसे ही PDF फॉर्म में आपको प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ MCQs देंगे। जैसे मान लो कि मैंने 30-35 MCQs डिस्कस कर दिए, उसके बाद भी बहुत सारे अनगिनत MCQs बनाए जा सकते हैं। तो मैं कितना MCQ बनाऊंगा, मैंने कहा कि मतलब अनगिनत MCQs बन सकते हैं, चैप्टर से 100, 200, 500, जितना MCQ बोलोगे उतना क्वेश्चन बना देंगे, हर लाइन से 2-4 क्वेश्चन बना देंगे। तो टोटल पूरा MCQ कवर कर लेना ये पॉसिबल नहीं है, कुछ हम लोग कवर डिस्कस कर रहे हैं और फिर कुछ आपके टेस्ट के लिए भी दिया रहेगा, जो आप खुद सेल्फ असेसमेंट करके देखिएगा कि आपको उन चीज़ों का आंसर, सही आंसर मालूम है कि नहीं। और इसमें बस काम आएगा तुम्हारा लाइन बाय लाइन स्टडीइंग, जो स्टडी है चैप्टर का, टेक्स्ट बुक का, वही काम आएगा तुमको आंसर, जब तुम किसी भी तरह का आंसर इस चैप्टर से फेस करोगे। तो सबसे पहले प्राइमरी चीज़ है कि इस चैप्टर को पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, जहाँ जहाँ बोला जाता है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट डाउन भी करना है, याद भी रखना है, और तब आप पूरी तरह से तैयार रहेंगे किसी भी कैटेगरी का क्वेश्चन पूछ। जैसे अभी MCQ का देख रहे हैं, आगे शॉर्ट क्वेश्चंस भी कुछ देखेंगे, कुछ लॉन्ग आंसर्स भी देखेंगे। तो MCQs हम लोग कुछ और करेंगे इसके बाद, 10-15 MCQs और देखते हैं और फिर कुछ MCQs मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट में आएंगे। थैंक यू।